पिछावर जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्राम ढाबला माता तालाब पर नहर पर का संचालन करने वाले नारायण सिंह पिता गणपत सिंह ग्राम शिकारपुर निवासी ने ग्राम ढाबला माता निवासी अंकुश परमार पीठ के साथ साथ वाहन में भी तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों ने एक वीडियो इछावर एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया, जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल पर बैठा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। वहीं आपकी जानकारी में बता दें कि नारायण पिता गणपत ग्राम शिकारपुर निवासी ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत इछावर थाने में दिनांक 13/11/2024 को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जहाँ शिकायतकर्ता गणपत का कहना है कि इछावर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। ये ढाबला माता के तालाब पे आप चौकीदारी करते हैं, क्या मामला है? यहाँ ये मामला नेर बंद करके आया मैं और 4 बजे चल दिया वापस, 4 बजे वापस चल दिया। रास्ते में एक दुकान है खवास की, वहाँ पर मैं दाढ़ी बनवाने के लिए बैठा और खवास ने बोला कि यार रुक जा थोड़ी देर, फिर इतने में ये आ गया। तो इसने मेरे को देख के बोला कि मेरे पे बकाया क्यों आता है, बिल क्यों आता है। तो मैंने बोला कि साहब आप तो एक काम करो, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में मालूम करो तुम्हें बकाया आए नहीं आए। फिर हमारी गालम गुप्ता हो गई, लग गई झूमा झटकी हुई और खवास ने फिर उसे धक्का दिया बाहर। गाड़ी खड़ी थी मेरी बाहर, तो इसने क्या करा, मेरे को तो आन जानी वहाँ से अंदर से उन लोगों ने, इसने मेरी गाड़ी तोड़ फाड़ दी। मतलब जिसने आपके साथ मारापीटी की उसका नाम क्या था? अंकुश। कहाँ के रहने वाला? ढाबला माता। और पुलिस थाने में रिपोर्ट डाल दी, कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। अभी आपने ज्ञापन किसके नाम दिया? एसडीएम का।